दोस्तों आज आप देख रहे हैं होंडा की एक पावरफुल नेकेड बाइक जिसका नाम है होंडा सीवी 300R। ये एक नेकेड रेसिंग बाइक है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे इसमें सीवी 300R लिखा हुआ तो R का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था 300F, तो उसमें F का मतलब था स्ट्रीट फाइटर, तो इसमें R का क्या मतलब हुआ इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है 2022 लास्ट या 2023 की, और इसकी माइलेज और फीचर्स पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं सीवी का मतलब सिटी बाइक, और 300 का मतलब 300 cc, और R का मतलब हुआ कि ये एक रेसिंग बाइक है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है जबकि उसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख लें, ये है, ये आपको ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, और यहाँ पर ये आप देख ही रहे हैं ये एयर और ऑयल कूल्ड है, लेकिन ये आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं इससे, सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में। ये एक नेकेड बाइक है, लेकिन अगर आप देखेंगे हेडलाइट कोई बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकली हुई है, इसको अंदर ही रखा गया है। फुली LED लाइट का सिस्टम मिलता है, फुली LED इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे 2 DRL ऊपर हैं, और बाकी हेडलाइट का डिजाइन आप देख रहे हैं मडगार्ड पूरा अच्छी तरीके से कवर्ड है। 110 mm के चौड़े आपको वाइड रेडियल टायर इसमें आपको मिल रहे हैं। अप साइड डाउन फोर्क मिल रहा है 41 mm का, वो भी अप साइड डाउन फोर्क मिल रहा है भाई। और LED लाइट मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं भाई साइड व्यू की। थोड़ा सा अंधेरा है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। और रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात को बज रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मेहनत को लाइक करो, 8 बज रहे हैं। तो दोस्तों अब आप साइड से देखेंगे नेकेड बाइक है, और उसकी तरह इस पर टैंक काउल बहुत ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें जैसे ऐसा नहीं बहुत चौड़ा इसको बनाया गया, लेकिन फिलहाल ये मस्कुलर दिखती है। और अगर आप ऊपर से आप इसको देखेंगे तो इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। फुली डिजिटल मीटर इसमें आपको मिलता है, फीचर्स तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी सीट स्प्लिट सीट तो है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ऊपर नहीं है कि आपके फैमिली के कोई बैठ ना सकें। यहाँ पर आपको जैसे ये ग्रैबरेल टाइप के मिल जाते हैं, ये ग्रैबरेल नहीं है, लेकिन पकड़ने के लिए अगर कोई बैठेगा पीछे तो वो पकड़ सकते हैं। और बाकी बैकलाइट का डिज़ाइन मैं ऑन करके दिखा दूं, ये है इसकी बैकलाइट का डिज़ाइन। अभी यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, और बाकी सारी गार्ड इसमें लगे हुए हैं। और भाई जैसे कि सबसे पहले थोड़ा सा फीचर्स की बात करें तो LED लाइट, 110 mm का वाइड रेडियल टायर, 276 mm की डिस्क नहीं है, 296 mm की शायद इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, मैं देख लेता हूँ, 296 mm की डिस्क ब्रेक है ड्यूल चैनल ABS के साथ। और बाकी सस्पेंशन मैंने आपको दिखाया, टायर मैंने आपको दिखाया 110 mm का, और इसमें अगर आप इधर देखेंगे तो 150 mm का वाइड रेडियल टायर आपको मिल रहा है, 150/60/R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल रहा है, 220 mm की पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये इंजन किल की स्विच है, इसमें हजार्ड लाइट की स्विच नहीं मिलती है, टेपर्ड आपको इसमें हैंडल बार मिल जाता है जो कि काफ़ी भारी सा दिखता है, और यहाँ पर कवर लगी हुई है एल्मो, और ये क्रोम फिनिश आपको इसमें हैंडल वो भाई क्लच और ब्रेक लीवर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इसके मीटर के बारे में, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें फुली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल कहाँ पर है इसमें तो नहीं लिखा हुआ है फिलहाल कहीं पर, लेकिन ये टोटल और ट्रिप 1 ट्रिप 2 और घड़ी भी मिल जाती है, और रियल टाइम माइलेज मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, और इसमें एवरेज भी आप इससे निकाल सकते हैं। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि नहीं भाई, इसके बारे में मुझे अभी थोड़ा सा नहीं जानकारी है, इसके लिए मुझे इन लोगों से पूछना पड़ेगा, या फिर एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि फीचर्स। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है, और ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, इंटरनेशनल नहीं, इसमें IMU सिस्टम मिल जाता है, और फ्रंट गोल्डन फोर्क मिल जाते हैं, और बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, वो आ जाएगी, कोई अपडेट आएगी तो आएगी। और बाकी अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया रेसिंग, तो रेसिंग इसलिए है क्योंकि भाई इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, ना कि आपको इसमें एयर कूल्ड इंजन नहीं मिलता है। तो लिक्विड कूल्ड इंजन 286.1 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 30.7 hp की पावर मिल जाती है 9000 rpm पर, 27.5 Nm की टॉर्क मिलती है 7500 rpm पर। और अगर हम बात करें इंग्लिश में, कुछ लोग हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं, तो
286.01 सीसी का इसमें इंजन मिलता है, 30.7 एचपी की पावर मिलती है 9000 आरपीएम पर, 27.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 7500 आरपीएम पर, मतलब 7500 आरपीएम पर मिलती है। 6 गियर इस बाइक में मिलते हैं, 76mm इसका बोर है, 76mm इसका बोर है, 63.0mm इसका स्ट्रोक है, मतलब ओवर स्क्वायर इंजन, और साथ में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी में आपको इधर दिखा दूँ ये मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रेडिएटर लगा हुआ है, कूलेंट के लिए इसमें बना हुआ है, यहाँ पर आप देख लेंगे ये रेडिएटर लगा हुआ है, तो मतलब ये एक रेसिंग इंजन बनाया गया है, जबकि उसमें आपको सिर्फ ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिससे वो स्ट्रीट फाइटर बाइक है, लेकिन ये स्ट्रीट नेकेड पावरफुल और एक रेसिंग बाइक कही जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें भाई इसकी सीट हाइट की, तो 801mm है, 157mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हील बेस है 1352mm, और वजन है इस बाइक का 146 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक 9.7 लीटर का लगाया गया, सीट लेंथ है 627mm। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाइक में बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और मैं आपको पहले थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ भाई, तब आपको शायद मजा आएगा। यहाँ से एक बार फिर से देखो, ये है आपके CB300R की चाबी, इसको लगाओ यहाँ पर, कट से ऑन करो एकदम, फिर यहाँ से ऑन करो, इंजन का भी साउंड इसमें काफ़ी बढ़िया दिया गया है। अगर हम बात करें भाई इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 322,627 रुपये, 322,627 रुपीज़ की ये बाइक आपको मिल जाएगी। माइलेज की चिंता आपको करनी नहीं है, क्योंकि आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो माइलेज देखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी 30 तक आपको माइलेज इस बाइक में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपकी इस बाइक को लेकर क्या राय है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। इधर से मैंने इंजन आपको नहीं दिखाया, तो ये आप देख सकते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, इसका स्विंग आर्म देख सकते हैं, ये इसमें आपको स्विंग आर्म एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिल रहा है, तो मतलब जैसे ये रेसिंग टाइप की बाइक है, तो उसी हिसाब से आपको टायर, उसी हिसाब से इसके स्विंग आर्म मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे कि इसमें डायमंड टाइप आपको चेसिस मिल रही है, जैसे आप देखेंगे इंजन अलग है, इधर अलग है, उसका चेसिस का सिस्टम अलग था, इसका सिस्टम अलग है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की बाइक है जो रेसिंग लोग पसंद करते हैं, जैसे KTM की या डोमिनार टाइप, या जो रेसिंग टाइप बाइक पसंद करते हैं उनके लिए ये बाइक है। मैंने आपको प्राइस बता दी, माइलेज बता दी, फीचर्स बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा अंधेरा था, हो सकता है आपको देखने में कम मजा आया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये है इसका बेली पेन, और इसमें साइड स्टैंड कटआउट की स्विच यहां पर लगी हुई है, बाकी आप फुटरेस्ट ये सारी चीजें देख सकते हैं। गियर लीवर स्पोर्टी है, सिंगल हॉर्न है इसमें। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके, और हाँ, ये सभी बाइकें होंडा बिग विंग लखनऊ टेढ़ी पुलिया पर उपलब्ध हैं, आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।